15% dextrose. This is our block, DSCB block, and ozone के लिए हमारी ट्यूब्स. आवाज आ रही है इसे, तो स्प्लैश सा आता है हमारा. आप ढीला रखिए पैर, बस कुछ मत करना. आपको मोड़ना नहीं, मैं अपने आप मोड़ दूंगा. कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, कंफर्टेबल है? ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं किया? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट. आज हमारे पास जो पेशेंट है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की कंडीशन आप एक्सरे के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से देयर इज अ डिक्रीज इन द गैप ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी ज्वाइंट. इनको सिवर पेन है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सिटिंग, स्क्वेटिंग, सीधे चढ़ने उतरने में, ज्वाइंट बैठने में, और चीज चबके चल रहे हैं पेशेंट को. ऑन एक्सरे इट्स ए ग्रेड 2 प्लस ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ग्रेड 2 प्लस ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ग्रेड 3 की तरफ ही जा रहा है. मिडिल कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है, एंड वी आर प्लानिंग फॉर डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी हेयर प्लस डीएससीबी इंजेक्शंस बीटा 4 एंड बीटा 5 फॉर पेन मैनेजमेंट. तो बीटा 4 एंड बीटा 5 हम यूज करेंगे पेन मैनेजमेंट के लिए, और डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी यूज करेंगे ताकि डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी के माध्यम से जिसमें हम डेक्सट्रोज 15% इंजेक्ट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट वी विल इंजेक्ट द ओजोन. तो ओजोन इज ए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंड डेक्सट्रोज एक माइल्ड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट होती है, एंड इट विल लीड टू डेवलपमेंट रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज को रीजनरेट करेगा. तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग. एंड इंडिया के अंदर इतना ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और आगे में चल के पेशेंट जो है, एक तो नंबर वन हम सर्जिकल इंटरवेंशन को स्लो कर रहे हैं कि आगे में सर्जरी अगर जरूरत भी पड़ती है तो एक लॉन्ग टाइम तक पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए, और हो सकता है उसको सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े. सो लेट्स गो. सो आई हैव प्रिपेयर्ड द साइट, नाउ आई विल प्रिपेयर द इंजेक्शंस. ये इंजेक्शंस हम सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर में ले जाके देते हैं, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे इन्फेक्शंस के रेट बिल्कुल कम हो जाए, और सारी की सारी मशीनरीज के साथ. यू कैन सी ऑन दिस साइड कि हमारा पूरा एनेस्थीशिया मशीन्स ऑन है, हमारी क्रैश कार्ट है. अगर किसी भी प्रकार का कोई भी, वैसे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन पॉइंट लेस देन 1% अगर कोई चांसेस भी होते हैं तो वी आर कम्प्लीटली रेडी विद एवरीथिंग. इसलिए बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स है, बहुत ही सेफ टेक्निक है. So we'll go one by one. So now we are ready with the 15% dextrose. This is our block, DSCB block, and ozone ke liye hamari tubes. So I'm going in. Okay. We have part prepared kar chuke hain pura ka pura. Maa ji bilkul dheela rakhna hai. So I have injected dextrose. Ab needle ko wahin pe rakhte hain. Now I will collect ozone. Now we are collecting ozone. आवाज आ रही है इसे, तो स्प्लैश सा आता है हमारा. आप ढीला रखिए पैर, बस कुछ मत करना. आपको मोड़ना नहीं, मैं अपने आप मोड़ दूंगा. कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, कंफर्टेबल है? ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं किया? सो वी हैव अप्लाइड, हमने इनमें ओजोन इंजेक्ट कर चुके हैं, हमने इनका डेक्सट्रोज भी इंजेक्ट कर चुके हैं. अब हम लोग जाएंगे डीएससीबी बीटा 4 एंड बीटा 5. अब बीटा 4 और बीटा 5 का क्या रोल है इसके अंदर? बीटा 4 एंड बीटा 5 इज बेसिकली फॉर नी अर्थराइटिस के लिए, जिनका भी मिडिल कंपार्टमेंट अर्थराइटिस है, और ऐसे कंडीशन जहां पे पीएफओ से भी इनको फायदा हो सकता है, तो वी विल गो फॉर बीटा 4 एंड बीटा 5 ताकि पेन किलर्स की पेशेंट्स को दर्द की दवाओं की ज्यादा जरूरत ना पड़े. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर बीटा 4 एंड बीटा 5. We have injected dextrose, 15% dextrose हम inject कर चुके हैं. We have given ozone and for the pain management हमने इनको DSCB beta 4 and beta 5 दे दिया. Now beta 4 and beta 5 जो हमारे portals होते हैं, basically osteoarthritis के लिए होते हैं या फिर हमारी hamstring screws के लिए होते हैं. अब सारा mechanism हम लोग बता चुके हैं कि किस तरीके से ये react करेगा, किस तरीके से ozone help करेगी,
और किस तरीके से ये पूरा का पूरा रिजनरेट साइकिल जो है दोबारा से डेवलप होगी। सो दिस इज हाउ वी मैनेज ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री तक। ग्रेड वन एंड ग्रेड टू में तो हम ज्यादातर पीआरपी प्रोथेरेपीज करते हैं, ग्रेड थ्री के अंदर डेक्सट्रोज प्रोथेरेपी करते हैं। वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर देम। इसके साथ में इट्स नॉट ओनली इंजेक्शन, इसके साथ में डाइट चेंजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाई प्रोटीन डाइट, हाई हाइड्रेशन, ये सब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस हम अपने हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, दिनचर्या में बदलाव, और अगर आपको कोई कोमोबिडिटी है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम सारे के सारे फैक्टर्स पे जब हम काम करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। द नी में जो कार्टिलेज डैमेज है वो दोबारा से रिपेयर और रिजनरेट होता है, और दोबारा से हमारा कार्टिलेज गैप भी बनने लग जाता है। इवन यू कैन सी लेटर ऑन वी विल सी आफ्टर 4 to 6 सिटिंग्स, इसमें 4 मिनिमम सिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक एक महीने के गैप पे। सो मिनिमम 4 सिटिंग्स एट इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स या 1 से 1.5 महीने के गैप पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्शन के किसी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये इन्फ्लेमेशन थोड़ी ग्रेजुअल कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, फिर कार्टिलेज को रिपेयर और रिजनरेट करता है। इसके साथ में आपके डाइटरी चेंजेस, न्यूट्रिशन, फ्यू मेडिकेशन, सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइजेज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, इन सारी चीज़ों को करने के बाद से आप एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकते हैं और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी समस्या घुटने की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, घुटने में घिसावट है, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपको आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी आपके पास अवेलेबल है वो अपनी समस्या के साथ हमें भेज सकते हैं। सारे के सारे रिपोर्ट्स को मैं खुद इवेलुएट करता हूँ, खुद सारा जाँच करता हूँ, उसके बाद हम रिप्लाई करते हैं कि आपको इस थेरेपी से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सो आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आपके एक वीडियो से किसी पेशेंट को मदद होगी और वो एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकता है। थैंक यू।